नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। अभी मैं फ़िलहाल मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे हूँ। मैं पुणे जा रहा हूँ, मेरे सिस्टर के नया उसने घर लिया है, वो देखने के लिए जा रहा हूँ। अभी लास्ट 3 दिन से छुट्टी है, उसके वजह से मैं आज 30 तारीख को पुणे जा रहा हूँ और कल 1 तारीख को शाम तक मुंबई वापस आऊँगा। तो ये वीडियो और पुणे की जर्नी भी देखते रहिए। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी फ़िलहाल मैं खालापुर के फूड प्लाज़ा पे हूँ। देखिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि 3 दिन की छुट्टी आ चुकी है, स्कूल को छुट्टियाँ भी लग चुकी है। तो बहुत से लोग कोल्हापुर, महाबलेश्वर या पुणे वीकेंड के लिए जा रहे हैं, उसके वजह से भीड़ है। आई थिंक आगे घाट सेक्शन में भी हमको भीड़ और ट्रैफिक जाम लग सकता है। वैसी परिस्थिति कल थी। नासिक और खंडाला घाट दोनों भी कल पैक थे, ट्रैफिक जाम था। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, खालापुर टोल प्लाज़ा पे भीड़, आज बहुत ही भीड़ है। कल भी खंडाला घाट में ट्रैफिक जाम था, आज देखते हैं क्या हालत है वहाँ की, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी आने की वजह से लोग बाहर निकले हैं। यहाँ पार्सल, फूड के पार्सल लेने के लिए भी बहुत लाइन थी। हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, इसके बाद घाट का रास्ता चालू होएगा। और कल खंडाला घाट में बहुत ही ट्रैफिक था, आज देखते हैं, क्योंकि टोल प्लाजा में जो भीड़ दिख रही है उसके वजह से ऐसा ही लग रहा है कि ट्रैफिक हो सकता है। देखो, आजू बाजू में सब जगह पार्किंग के लिए जगह नहीं, उसके लिए उसके वजह से बाहर भी गाड़ियां लगाई गई है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं अभी तक इतनी भीड़ कौन से भी टोल प्लाजा के फूड मॉल पे दिखी नहीं थी। हमेशा हम लोग पुणे जाते, कोल्हापुर जाते तो यहाँ से ही यही फूड मॉल पे आते थे, लेकिन आज यहाँ इतनी लाइन थी कि हम लोगों ने पार्सल लिया। देखो, खंडाला घाट की चढ़ाई चालू है, लेकिन ट्रैफिक जबरदस्त है। कल भी यहाँ प्रॉब्लम था, ये खंडाला घाट पे भी प्रॉब्लम था और नासिक के इगतपुरी के यहाँ भी बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी आई है। कल महाराष्ट्र डे और लेबर डे है, उसके वो भी छुट्टी है। सैटरडे, संडे, मंडे के वजह से सब लोग वीकेंड के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके वजह से आई थिंक हम लोग को घाट क्रॉस करने को 1-1.5 घंटा भी लग सकता है। एक्चुअली हम लोग ने गलती की कि हम लोग ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से जाते थे तो अच्छा था, लेकिन घाट में आगे चल के हम ट्रैफिक में अटक ही जाते थे, क्योंकि एक जगह दोनों साइड के ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे और एक्सप्रेस वे एक जगह दोनों गाड़ियां एक जगह मिलती है। खंडाला घाट का ट्रैफिक खत्म हो चुका है। देखो, क्लियर रोड है, ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं। जुन्या आगे पण असतो, मैं अभी लोनावला सेक्शन क्रॉस कर चुका हूँ। अभी यहाँ से पुणे ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर होगा। अभी बीच में हमको लंच के लिए रुकना है, देखते हैं। मोस्टली हम लोग चिंचोड़ के यहाँ एक बार एक्सप्रेस पे ख़त्म होता है, उसके बाद ही रुकेंगे, क्योंकि वहाँ हाईवे पे, बेंगलोर हाईवे पे बहुत जगह आपको वेज, प्योर वेज रेस्टोरेंट
और बाकी रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। वेलकम टू ट्रैवलिंग रश। आज हम पुणे की तरफ जाते हुए इधर बीच में खाना खाने के लिए आए हैं, लंच ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का नाम है स्टेटस रेस्टोरेंट, प्योर वेज है। ये इवनिंग का सेटअप है इनका। ये रहा स्टेटस रेस्टोरेंट प्योर वेज। अंदर की तरफ हम लोग जाते हैं। आप देखिए यहाँ का माहौल कैसा है। हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए हैं, आप देख सकते हैं तमाम कैसा है। इन्हें दर्शन का इन्होंने यहाँ पे बहुत पूरा डेकोरेशन किया है, पेंटिंग किया है, आप देख सकते हैं। बाहर की तरफ यहाँ पे वॉशरूम है। ऑर्डर लेते हैं, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर आगे की तरफ निकल जाते हैं। बिरयानी रोटी और करना है मैडम? रोटी पाएंगे ना? रोटी को सब आगे है। एवढा डिस्टन्स मला बोललो तर ऐक जाईल। नमस्कार, हाय, कसे आहात सगळे? मजेत ना? मजेत तर असायलाच पाहिजे। बरं, आता आम्ही चाललो आहे पुण्याला माझ्या मामे बहिणीकडे। फिलहाल मैं कोथरूड में वारजे एरिया में हूँ। मेरे सिस्टर के घर में आया है, उसके रिक्रिएशन सेंटर है उसमें आया हूँ। ये देखिए, ये 10th फ्लोर पे है और बाजू के साइड में सामने जो फ्लैट दिख रहे हैं वही मेरा सिस्टर का है 10th फ्लोर पे, और ऊपर जो दिख रहा है वो 11th फ्लोर है। और ये देखो सामने पूरा पुणे सिटी का व्यू है। सामने जो आपको अगर पिक्चर फ्रेम में ट्रक और कार जा रही है वो मुंबई बेंगलोर हाईवे है। वहाँ से हम लोग ये पहाड़ के आगे किधर को मुड़ के अंदर आए थे। तो कोथरूड का एंड का एरिया है, नियर टू मुंबई बेंगलोर नेशनल हाईवे। आज मुंबई से हमको आने के लिए ऑलमोस्ट 6 घंटे लगे। खंडाला घाट में पूरा हमको नीचे से ऊपर आने को 3 घंटे लगे। वन साइड पूरा पुणे के साइड जाने वाले ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, उसके वजह से हम लोग को लेट हुआ। और आगे भी ट्रैफिक था उसके वजह से हम लोग आ नहीं पाए। और यहाँ देखो बाकी इंस्ट्रूमेंट है, थ्रेड मिल और रिक्रिएशन सेंटर है 10th फ्लोर पे, बहुत ही बढ़िया है। चुकून लागला कॉल? हाँ, चुकून लागला। अभी हम लोग टेरेस में आ चुके हैं स्प्रिंगनेस के।
जहाँ मेरी सिस्टर रहती है 10th फ्लोर पे। अभी ऑलमोस्ट 2 फ्लोर हम लोग ऊपर आके टेरेस में आ चुके हैं, तो दूसरे साइड का भी आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उधर ऊपर सोलर पैनल है, ये पुणे सिटी का देखो सब जगह से व्यू। ऊपर बादल देखो बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर दिख रहे हैं। अभी धीरे धीरे सनसेट होने का टाइम आ चुका है, आई थिंक 15-20 मिनट्स में सनसेट हो जाएगा। उंच बिल्डिंग ती एवढा लांब नाही एवढा लांब नाहीये वारजे जलशुद्धी तो कुठला आला एरिया उंच बिल्डिंग तो करत तो कुठचा आहे तो म्हणजे आणि टुवर्ड्स उंच आहे आधी जुनी गरज होती बुलाकडे तसा वळून आणि इथून ते दशपूजा वगैरे इकडे आहे ना कुठेतरी तिकडे 2 किलोमीटर इथून आशेचं घर गाडीवरनं 5 मिनिटात हा 5 मिनिटात मैं आपको सब एंगल से दिखा रहा हूँ पुणे सिटी। चारों साइड से यहाँ टेरेस से दिख रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स है, 12th फ्लोर का स्प्रिंग नेस्ट, वारजे एरिया में है कोथरूड में। ये देखो सामने जो आपको पिक्चर फ्रेम में अगर आ रहा है कि जो पहाड़ पे 2 टावर दिख रहे हैं टेलीविजन के, वही सियागढ़ फोर्ट है। उसके आगे जो ये सामने बड़े बड़े नांदेड़ सिटी है, और उसके आगे जो लंबे पे छोटे छोटे बिल्डिंग है, और DSK विश्व का एरिया है। देखो सामने डीमार्ट दिख रहा है, वहां से हम लोग आ रहे थे आई थिंक। ये सामने के साइड जो गाड़ियां जाती हुई दिख रही है वो मुंबई बेंगलोर हाईवे है। आज हमको आने के लिए बहुत टाइम लगा, खंडाला लोनाला के घाट सेक्शन में ऑलमोस्ट हम लोग 3-3.5 घंटे अटक चुके थे। देखो यहाँ लॉन डाला गया है पूरा लोगों के बैठने के लिए, और झाड़ भी लगाए गए हैं। अभी थोड़े देर में सनसेट हो रहा है, देखिए आपको दिखाता हूँ। और ये पुणे सिटी का पूरा व्यू है, महाराष्ट्र के नंबर 2 या नंबर 3 की सिटी है। ये पहाड़ के पीछे अभी थोड़े टाइम में सनसेट हो रहे हैं, तो वो ज़रूर दिखाता हूँ। और मेरे पीछे जो पूरे छोटे छोटे बिल्डिंग दिख रहे हैं वो पूरा पुणे सिटी के बिल्डिंग से। हम लोग अभी फिलहाल मैं 10th फ्लोर पे हूँ, देखो Thank you.
हे सनसेट व्हायला लागला ऑलमोस्ट. ये देखो नाइट व्यू टेरेस से. या और बहुत सी चीज़ें वो भी मैं मेरे सेकंड पार्ट के वीडियो में आएगी. ये देखो यहाँ का जो जिम और रिक्रिएशन सेंटर है वहाँ का व्यू नाइट में. तो ये वीडियो मेरा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.